हेलो सबको, जय मसीह की। मैं प्रोफिट सुभनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। और अगर तक आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, स्क्रीन पर आप हमारे चैनल का नाम देख रहे हैं और रेड कलर का बटन जो राउंड किया हुआ है, आप इस पर क्लिक जरूर करें ताकि हमारी हर एक नोटिफिकेशन, हर एक वीडियो का लिंक आप तक पहुँचे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हमारा आज का टॉपिक है तंत्र मंत्र के कार्यों को नाश करने वाले वचन। हालेलुया। तंत्र मंत्र, आजकल जो लोग क्या करते हैं, तंत्र मंत्र कर देते हैं। तंत्र मंत्र कर दिया, जादूटोना कर दिया, किसके तरक्की देखे जादूटोना कर दिया, किसका हंसता खेलता परिवार देखे जादूटोना कर दिया, कोई तरक्की कर रहा है तो जादूटोना कर दिया, किसके घर में बीमारियों के जादूटोना कर दिए, किसके घर में बीमारी के जादूटोना कर दिए, किसके घर में गरीबी के जादूटोना कर दिए, किसके घर में लड़ाई झगड़े के जादूटोना कर दिए। तो आजकल ये लोग बहुत कर रहे हैं। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे लोग ज़्यादातर इन्हीं कामों में उलझे हुए हैं, गलत कार्य करने में। कि आज उसका घर तोड़ देते हैं, आज उसका बिजनेस तोड़ देते हैं, इसका बिजनेस अच्छे चल रहा है, किसकी पत्नी को वश में कर रहे हैं, किसके पति को वश में कर रहे हैं, किसके बेटे को वश में कर रहे हैं। क्योंकि मुझसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझसे प्रार्थना करवाते हैं कि हमारे बेटे को वश में कर रखा है, हमारे पति को वश में कर रखा है, हमारी पत्नी को वश में कर रखा है। और मतलब बहुत सी ऐसी बातें जो आपके अच्छी गुण में होती है। कोई किसी के घर देख के उस नया घर बनाते हैं, घर से पहले ही उसके अंदर जादूटोना कर देते हैं। हमारे किसी ने पंजाब में नया घर बनाया था और अंदर रह ही नहीं रहे थे, और उसके पास में जो उनका कच्चा घर था उसी में रह रहे थे कि हम नए घर में नहीं जाएंगे क्योंकि इसके अंदर हमें डर लगता है। इतने लाखों रुपये लगा के उन्होंने उस घर को तैयार किया, लेकिन उस घर में जाने जा ही नहीं रहे थे कि नहीं, मैं इस घर में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि इस घर के अंदर मुझे डर लगता है, दुष्टात्म दिखती है, भूत दिखती है। मतलब उसका मन बदल देती है जादूटोने की, जादूटोने जो है। और फिर हमने उसके लिए प्रार्थना की और फिर उस घर में उन्होंने एंट्री की अपने नए घर के अंदर। तो आज मैं सिर्फ वचन पढ़ूंगा ताकि आप इन वचनों का नोट कर लें। जब आपको ऐसा लगे कि मुझे लगता है कि मेरे ऐसा मेरे परिवार को ऐसा हो रहा है, तो आप इस प्रार्थना को बार बार सुनें। अगर आपको लगे कि मेरे ऊपर जावटों ने कर रखे हैं, और आप इन वचनों को अपने दिल पे लिख लें, कहते ना दिल की पट्टियों पे लिख लें, उस हिसाब से आप इन वचनों को अंदर लिख लें। जब भी आपको लगे कि कोई कुछ कर रहा है तो आप इन वचनों को दोहराने लग जाएं, इन वचनों को सुनने लग जाएं, इन वचनों को पढ़ने लग जाएं और इन वचनों को सुनने लग जाएं। अगर आप पढ़ नहीं सकते तो आप मेरे इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे घर के अंदर जावटों ने है, मेरे परिवार में जावटों ने, मेरे बिजनेस में कोई कर रहा है, आग से आज हर कोई करता है, शादी में भी कोई ना कोई कर देता है। आपने पेटी पे ताला लगाया होगा और आपको उसके अंदर से कुछ ना कुछ दिखेगा, किसी ने जादूटोना कर दिया हो, लेकिन आपको कहोगे चाबी तो मेरे पास, वो कौन कर गया, फिर भी जादूटोने होते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ क्योंकि हमारी आंखों देखी बातें हैं, और आपने देखा होगा जब चुराहे होते हैं वहाँ पर भी जादूटोने कर जाते हैं, लेकिन हम प्रभु के नाम से तोड़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम तोड़ते हैं। और मैं वचन पढ़ूंगा, आप इन वचनों को लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये मेरे परिवार टूट रहा है, मेरा घर टूट रहा है, मेरा बिजनेस टूट रहा है, मेरा जीवन खराब हो रहा है, मेरे परिवार गलत संगति में जा रहा है, तो ऐसी सब बातें अगर आपके जीवन में होती है, अगर आपको लगता है कि ये मेरे ऊपर कुछ कर रहा है, तो ये वचन मैं पढ़ने वाला हूँ, आप इन प्रार्थना को सुन सकते हैं। सिर्फ मैं वचन पढ़ूंगा और ताकि आप इन प्रार्थना को सुने और परमेश्वर आपको ब्लेस करे। वचन कहता है निर्गमन 8:18 में लिखा हुआ है, तब जादूगरों ने चाहा कि अपने तंत्र मंत्रों के बल से हम भी कुटकियां ले आई, परंतु यह उनसे न हो सका। अगर आप पूरी डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो निर्गमन 8:18 में पढ़ सकते हैं कि जब प्रविष्य मसीह ने चमत्कार किया वहां पर मूसा के द्वारा, जो वह परमेश्वर चमत्कार किया, तब क्या हुआ कि जादूगर ये सोचते थे कि हम भी चमत्कार करें ऐसा, लेकिन वो ना कर पाए क्योंकि वहां पर उनके जादू टोने सब फेल हो चुके थे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे वहां पर बहुत अद्भुत अद्भुत कार्य को किए थे। आप पढ़ सकते हैं निर्गमन 8:19, निर्गमन 9:11 में भी लिखा हुआ है कि उन फोड़ों के कारण जादूगर मूसा के समान खड़े न रह सके, क्योंकि वह फोड़े जैसे सब मिस्रियों के वैसे ही जादूगरों के भी निकले। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के लोगों ऊपर कोई भी फोड़ा कुछ भी नहीं निकला था, बल्कि जो कि जादूटोना करते थे और जो कि लोग थे, मिस्र के लोग थे, वो लोग उनके ऊपर सबके वो जो जादूटोना था वो असर कर गया, लेकिन मसीह लोगों को कुछ भी बाल भी बांका नहीं हुआ। क्योंकि वहां पर परमेश्वर ने, मैं आपको ये इस वचन से बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी आपके ऊपर जादूटोना करता है, इसका मतलब उनके ऊपर उल्टा लग रहा है। अब ये वचन कह रहा है
कि मिस्र के लोगों के ऊपर और उनके ऊपर भी फोड़े फाड़े हो गए थे, लेकिन मसीह लोगों को कुछ नहीं हुआ था। इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है, जो हमारे ऊपर करता है वापस उसी के ऊपर ही जाता है। सबसे बड़ा वचन मिक्का 5:12 लिखा हुआ है, मैं तेरे तंत्र मंत्र का नाश करूंगा और तुझ में टोने आगे को न रह सकेंगे। क्योंकि पवित्र बाइबल भी टोने के बारे में बताती है। कुछ लोग कहते हैं कि टोने नहीं होते, लेकिन पवित्र बाइबल बता रही है कि टोने होते हैं। वचन कहता है कि परमेश्वर वचन कह रहा है कि मैं तेरे तंत्र मंत्र का नाश करूंगा, मतलब जो हमारे पर जादू टोने करते हैं, कुछ भी करता है, परमेश्वर उनका नाश कर देंगे और तुझ में टोने आगे को ना रहेंगे। जो आपके आगे टोने वगैरह है वो आपके आगे टिक नहीं सकेंगे। कहीं आमीन। अय्यूब 5:12 में आप पढ़ सकते हैं, वहां पे वचन कहता है वह ध्रुत लोगों की कल्पना व्यर्थ कर देता है और उनके हाथों से कुछ भी बन नहीं पड़ता। जो लोग जादू टोना करते हैं, चलो आज तो फेल हो गया, चलो आज फिर से करते हैं, आज फिर से करते हैं, वो लोग ऐसे जादू टोना करते रहते हैं। लेकिन वचन कहता कि परमेश्वर उनकी जादू टोन को फेल करता रहता है, वो जितनी बार भी करते उतनी बार परमेश्वर उनको फेल करता रहता है। लिखा हुआ है ध्रुत लोगों की कल्पनाएं व्यर्थ कर देता है और उनके हाथों से कुछ भी बन नहीं पड़ता। वो बहुत कुछ करना चाहते हैं आपके परिवार के ऊपर, आपके ऊपर, लेकिन उनसे कुछ भी बन नहीं पड़ता, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं। यशाया 44:25 लिखा हुआ है, मैं झूठे लोगों के कहे हुए चिन्हों को व्यर्थ कर देता हूँ और भावी कहने वालों को बावला कर देता हूँ। मैं बुद्धिमानों को पीछे हटा देता और उनकी पंडिताई को मूर्खता बनाता हूँ। हालेलुया। कितनी अच्छी बात लिखी हुई है कि भावी कहने वाले का बावला कर, जो कि जादू टोना करते हैं। मैं एक देखिए मैं दुष्ट आत्मा निकाल रहा था, कोई केस आया हुआ था मेरे पास पदमपुर से, मैंने उसके लिए प्रार्थना की और दुष्ट आत्मा निकाली, मैंने निकाल दी और मैं जैसे थोड़ा सैड हुआ वो उसके अंदर फिर से आ गई। मैंने उसको बोला, मैं कहता तेरे को कौन भेज रहा है? कह रही कि पीछे से मुझे भेज रही है, मैं तो परेशान हो गई हूँ, यहाँ से आप मुझे भेजते हो, वहां से वो मुझे भेज रहा है। हालेलुया। फिर हमने क्या किया, मैंने बोला अच्छा ये बात है, चलो ऐसे करते हैं उसके लिए प्रार्थना करते जो तुझे भेज रहा है। फिर मैंने कुछ प्रार्थना की वहां पर और उसके बाद आज तक उसके शरीर में दुष्टात्मा प्रवेश नहीं की और जो भेज रहा था वो उसको पर हावी हो गया और हमें रिपोर्ट मिली कि उसको उसके ऊपर ऐसा ऐसा हो गया है, और जो भेज रही थी लेडी थी कोई और उसके साथ ऐसा हो गया है, ऐसा हो गया। इसके बाद जब उन्होंने प्रार्थना की यहाँ से तो परमेश्वर ने अपना चमत्कार किया और वचन क्या कह रहा है कि भावी कहने वालों को बावला कर देता है। जो बार बार भेज रही थी, जब मैंने गुस्से से प्रभु के नाम से बोला चल ऐसा ऐसा हो जाए, और बाद में क्या हुआ, वो जो भेज रही थी वो बावली होगी। हालेलुया। और हमारे पास रिपोर्ट भी है हर 7 दिन के अंदर कि वो जो भेज रही थी वो ये औरत थी और उसके साथ ऐसा ऐसा होगा, उसका परिवार में ऐसा हो गया। हालेलुया। तो मतलब ये बातें समझने वाली होती हैं, ये बहुत ऊंची लेवल की बातें हैं और जिनके साथ होता है वो इस वचन को समझ सकते हैं। हालेलुया। वचन कहते हैं बावी कहने वालों को परमेश्वर बावला कर देता। कितना अच्छा शब्द, देखिए बावला कर देना, बावला, इसमें मेरे को ज़्यादा इस शब्द को समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर कोई जानता कि बावला क्या होता है। एकदम से बावला कर देता, किनको बावला करता, जो आपके ऊपर जादू टोना करते हैं। कितनी अच्छी बात है कि जो आप पर जादू टोना करते हैं परमेश्वर उनको बावला कर देता है। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 18:10-11 में पढ़ सकते हैं, वचन कहता है तुझ में कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला या भावी कहने वाला या शुभ अशुभ मूर्तों का मानने वाला या टोनहा या तांत्रिक या बाजीगर या ओज्जों से पूछने वाला या भूत साधने वाला भूतों का जगाने वाला हो, क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित हैं और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। साफ साफ बाइबल कह रही है कि जो तांत्रिक होते हैं वो, और जो टोना करते हैं वो, और जो कि ओज्जों से पूछते हैं वो, और जो भूत साधने वाले होते हैं वो, जो भूतों को जगाते हैं वो, परमेश्वर कह रहा है कि मैं उनसे घृणा करता हूँ। परमेश्वर ने साफ साफ बाइबल में कह दिया कि मैं उन लोगों से घृणा करता हूँ जो ऐसे ऐसे काम करते हैं, जो भूतों को जगाते हैं, कि इसके ऊपर जादू टोना करते हैं, किसी के साथ ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं अद्भुत कार्य करता हूँ। हालेलुया। वचन कहता है कि मैं उनसे घृणा करता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर हमारे बीच में अद्भुत कार्य को करते हैं। यशाया 47:13 में लिखा हुआ है तेरे ज्योतिषी जो नक्षत्रों को ध्यान से देखते और नए नए चांद को देख, वे भूसे के समान होकर आग से भस्म हो जाएंगे, वे अपने
प्राणों को ज्वाला से न बचा सकेंगे। हालेलुया, लिखा हुआ कि जो ज्योतिषी हैं, जो नक्षत्र को ध्यान रखते हैं, ऐसा नहीं जी, ये फलाना ढिगना है जो लोग करते हैं, परमेश्वर कह रहे हैं कि उनका नाश हो जाएगा। इसलिए आपको पर कोई भी तंत्र मंत्र करता है, अगर आप परमेश्वर हाथ के नीचे हैं, हाथ के नीचे से आपको ये पावर मिलती है जो आज मैंने वचनों को पढ़ा है। ये मीका 3:6-7 में लिखा हुआ है, तुमको दर्शन न मिलेगा और तुम ऐसे अंधकार में पड़ोगे कि भावी न कह सकोगे। भविष्यवक्ताओं के लिए सूर्य अस्त होगा और दिन रहते उन पर अंधेरा छा जाएगा। दृश्य लज्जित होंगे और भावी कहने वालों के मुख काले होंगे और वह सबके सब अपने ओठों को इसलिए डांपेंगे कि परमेश्वर की ओर से उत्तर नहीं मिलता। हालेलुया, उनके लिए वचन है जो कि ये गलत काम करते हैं। हालेलुया, जो पाप करते हैं और जो ये टोना करते हैं, उनके लिए वचन साफ साफ परमेश्वर ने इस वचन के अंदर बता रखा है। हालेलुया, प्रेरितों के काम 19:19 में लिखा हुआ है, जादू करने वालों में से बहुत ने अपने अपने पोथियां इकट्ठे करके सबके सामने जला दी। हालेलुया, क्या हो गया, वो परेशान हो गए, उन्होंने अपने पोथियां जला दी। अरे अब हम क्या करें, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है अब हम क्या करें, उन्होंने अपने पोथियां ही जला दी। हालेलुया, ऐसा ही परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, आप पुराने में पढ़ सकते हैं, वहां पर क्या था कि जॉब की और उन लोगों ने भी परमेश्वर की दुहाई दी और जो दुश्मन लोग थे उन्होंने भी उनकी दुहाई दी, अपने देवता की दुहाई दी, वहां पर पढ़ सकते हैं। लेकिन क्या हुआ, परमेश्वर ने स्वर्ग से आग को ढेल दिया था। हालेलुया, हालेलुया, जब एलिया के समय की बात कर रहा हूं मैं, क्या हो गया था, स्वर्ग से आग गिरी थी। हालेलुया, और क्या हुआ था, वो जो जाटो ना करने वाला था वो क्या कर रहे थे, परमेश्वर का जन उससे क्या कह रहा है कि ऊंचे सबसे पुकारो, वह तो देवता है, वह तो ध्यान लगाए होगा या कहीं गया होगा या यात्रा में होगा या हो सकता है सोता, उसे जगाना चाहिए। ये कौन मजाक उड़ा रहा है उनका, परमेश्वर का लोग एलिया कह रहा है कि उसको जगाओ भाई, कहीं तुम्हारा देवता सोत नहीं गया। हालेलुया, कितनी अच्छी बात है कि क्योंकि वहां पर परमेश्वर उसके साथ था, परमेश्वर उसके संग था। इसलिए परमेश्वर हमेशा हमारे संग है। मैं विश्वास करता हूँ कि आप इन वचनों को सुनें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइव जरूर जुड़ा करें हर बुधवार शाम को, और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करें और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से इन वचनों के द्वारा। अगर आपको आभास लगता कि ऐसा ऐसा मेरे साथ है, तो आज के बाद ये सब कुछ बंद हो जाएगा इन वचनों को सुनते सर ही। परमेश्वर अपने स्वर्गदूत की वाट आपके चारों तरफ लगाएगा और आप आशीष को पाएंगे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। जब भी आपको लगे तो इस प्रार्थना को बार बार सुने और परमेश्वर आपके जीवन में मजबूत करेंगे। आमीन।